हेलो एंड वेलकम टू पूनम डुआ क्लासेस डॉट कॉम टूडे वी विल कवर फेलिक्स सॉल्ट द रेडिकल व्हिच इज़ अ सोशल नोवेल रिटन बाय जॉर्ज इलियट अबाउट पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इन अ स्मॉल इंग्लिश टाउन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 तो इससे पहले भी हम बहुत सारे नॉवल्स कवर कर चुके हैं जॉर्ज एलियट के जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं प्लीज़ and नॉट the टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड list यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल going टू कवर इन दिस सीरीज और सबसे पहले जानते हैं कि ये रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 थर्टी टू आखिर था क्या जिसके बेस पर हमारा ये नॉवल है द फेलिक्स हॉल्ट रेडिकल 1832 का ये एक्ट है 1832, थर्टी टू दिस year द ईयर passed पार्लियामेंट पास अ लॉ चेंजिंग द ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम ब्रिटेन में इलेक्टोरल सिस्टम में चुनाव के सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए थे इट वॉज़ नोन आज दी ग्रेट रिफॉर्म एक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एटीन थर्टी टू यही वो ईयर था जिसमें कि लोगों को पार्लियामेंट में इलेक्शन सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा चांस मिला था That is the reason it is also called the Representation of the People Act 1832. Felix salt is set in England in early 1830s. And uh, it was at the time of agitation for the passage of the Reform Bill, which uh, we just The Reform Bill was a measure designed to reform the electoral system in Britain. कहानी की शुरुआत होती है हेरोल्ड ट्रेंसम नाम के एक पर्सन के साथ अ यंग नॉबल मैन हेरोल्ड ट्रेंसम रिटर्न्स टू इंग्लैंड फ्रॉम दी कॉलोनीज विद अ सेल्फ मेड फॉर्च्यून तो ये पर्सन वापस आता है और इसके पास कुछ सेल्फ मेड फॉर्च्यून है और ये टाउन में आकर सब शॉक कर देता है ही सी टाउन ऑफ ट्रेबी मैगना ट्रेबी मैगना नाम के एक टाउन में ही रहते थे ही शॉक्सी टाउन ऑफ ट्रेबी मैगना विद डिसीजन टू स्टैंड फॉर पार्लियामेंट एज अ रेडिकल पार्लियामेंट के अगेंस्ट वो एक रेडिकल बन के खड़े हो जाते हैं और उनका ये डिसीजन सबको शॉक कर देता है इसके बाद टाउन में एंट्री होती है एक और पर्सन की वन मोर आइडियलिस्टिक हीरो फेलिक्स ऑल्ट रिटर्न टू द टाउन एंड द डिफरेंस बिटवीन हेरोल्डस अपर्चुनिस्टिक वैल्यूज एंड होल्ड प्रोफाउंड बिलीव बिकम वेरी अपारेंट पूरे टाउन के लोगों को पता चल जाता है इन दोनों लोगों के व्यू पॉइंट्स में इन दोनों लोगों के बिहेवियर में क्या डिफरेंसेज हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्रप एंड ड्रिवन बाय अ फर्म डिजायर टू एजुकेट द वर्किंग क्लास फेलिक्स इज फर्स्ट व्यूड विद सस्पीशन बाय मेनी शुरुआत में फेलिक्स के व्यू पॉइंट को थोड़े से डाउट्स के साथ देखा जाता है डिस्पाइट हिज एजुकेशन फेलिक्स ऑल्टेज चोजन टू वर्क एज एन आर्टिसन होपिंग टू इंस्पायर हिज फेलो वर्कर्स टू टेक चार्ज ऑफ दियर ओन डेस्टिनी फेलिक्स हॉल्ट एक ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि लोग अपनी डेस्टिनी के हिसाब से काम करें और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है एस्थर एस्थर जो है वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है विद दी व्यू पॉइंट ऑफ फेलिक्स हॉल्ट फेलिक्स हॉल्ट की जो सॉबरनेस है जो पैशनेट आइडियलिज्म है दे आर ऑलवेज कॉन्ट्रास्टिड विद दी पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ दिस पर्सन हेरॉल्ट सो नाउ कम्स द एंट्री ऑफ द हेरोइन एस्थर द एलिगेंट एंड वेरी वेन एस्थर लर्न द डॉटर ऑफ अ लोकल क्लर्जीमैन और उसके बाद इन तीनों के रिलेशनशिप्स किस तरीके के होते हैं उसी के बारे में है ये सून द रोमेंटिक एंड ओवर रिफाइंड एस्थर फाइन सर सेल्फ ओवर विल्म बाई हर हार्ट रेंचिंग डिसीजन वेदर टू चूज़ द वेल्दी ट्रेंसम एज अ हजबेंड और द इम बट ऑनेस्ट फेलिक्स एंड इवेंचुअली शी चूज फेलिक्स एंड हेयर द नावल एंड्स आई विल से फेलिक्स और प्योरली एक पॉलिटिकल नॉवल है जिसके साथ साथ कुछ रेडिकल कॉजेज भी जुड़े हुए हैं और एक रियल टाइम इवेंट को रियल टाइम रिफॉर्म एक्ट को भी प्रजेंट किया गया साथ में मेंगल किया गया एंड आइल से इट इज़ नॉट एज पॉपुलर एज मिडल मार्च और एज पॉपुलर एज मिली फ्लॉस इवन एडम बीड आइल से but it is certainly one of the best political novel fictional novel written about a real political situation i'll say the most notable approach of this novel is actually its focus on political and ideological aspects हर तरीके के पर्सनस को रिप्रेजेंट करती है ये नावल वो लोग जो कि रिफॉर्म के फेवर में थे वो लोग जो कि रिफॉर्म के अगेंस्ट थे वो लोग जो किसी तरीके के डिलेमा में थे तो दिस इज़ अ नावल बेसिकली फोकसिंग अपॉन दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ़ गें द पीपल ऑफ़ दैट टाइम दैट एरा एंड द नेक्स्ट नावल दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सीरीज़ इज़ मिडल मार्च नॉवल बाय जॉर्ज एलियट जो कि एटीन सेवेंटी वन में पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ कंसिडर टू बी एलियट्स मास्टर पीस एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ़ द नावल्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ज़रूर देखिएगा जॉर्ज इलियट की पूरी सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स thanks a lot for watching best of luck for your exams and please do not forget to share and subscribe the channel if you want to join our online classes you may contact us through the numbers given here through whatsapp